अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपको कपलू के खूबसूरत सियाहती मुकाम फुक्सीघर से ये वीडियो पेश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसा खूबसूरत पहाड़ी चोटी है जहाँ से पूरा कपलू का खूबसूरत नज़ारा कर सकते हैं, और ये एक कदीम तारीखी जगह भी है। यहाँ पे पुराने ज़माने में कदीम बल्तिस्तान में यहाँ पे राजा का महल हुआ करते थे। यहाँ ऊपर एक खूबसूरत मस्जिद भी तामीर किया हुआ है, इसे थोक्सिखर मस्जिद कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है, यहाँ से पूरा कपलू शहर का आप खूबसूरत नज़ारा कर सकते हैं। अभी हम इधर थोड़ा रेस्ट पॉइंट पे बैठे हुए हैं, तो साथ ही ऊपर आप देख सकते हैं कपलू हंजोर इंतहाई खूबसूरत सैरगाह है, साथ ही कपलू थंग है। उधर से आगे आप इहली खोली साथ आगे सुरमुख रुख भी आप यहां से बाई रोड क्रॉस करके जा सकते हैं। तो पूरा खूबसूरत नज़ारे और साथ ही सैरगाह हैं। इधर पीछे घरबुचुंग और साथ ही नाला है घरबुचुंग और ये हिप्पी के बीच में। इस नाले का नाम गांछे नाला है। ये ऊपर से खूबसूरत नाला गांछे कपलू शहर की रौनकों को चार चांद लगाते हैं। तो यहाँ से हम आपको मज़ीद खूबसूरत नज़ारे दिखाते हैं। आइए चलिए आगे हम आपको दिखाते हैं। ये देखें नीचे कपलू शहर का खूबसूरत नज़ारा, सेंटर से नदी गांछे नाला, बहुत ही खूबसूरत ताज़ा साफ शफाफ पानी बहते हुए। और इधर साथ ही कपलू फोर्ट जिसे कपलू पैलेस भी कहते हैं, ये कपलू फोर्ट का मंज़र है। कपलू राजा का महल है यहाँ पे, साथ ही कपलू शाही प्रोग्राम भी है। तो हम आपको मज़ीद ऊपर जाके मज़ीद खूबसूरत व्यूज़ दिखाते हैं। चलिए हमारे साथ रहिए, आ जाओ। जब भी आप कपलू चक्कर लगाएं तो ऐसे खूबसूरत नज़ारे देखने के लिए ज़रूर आ जाइए, क्योंकि ये कुदरती हुस्न है कपलू का। यहाँ पे कोई आर्टिफिशियल खूबसूरती नहीं है, सब कुदरती खूबसूरती है। और साथ ही ये तारीख़ी मुकाम है, यहाँ पे कदीम ज़माने में राजा और उनके बड़े बड़े वज़रा यहाँ पे बैठकर पूरा कपलू के शहर को और शहर इक्तदार को यहाँ से चलाते थे। इधर बैठने का एक ख़ास मकसद ये था कि यहाँ से राजा के लिए कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं होता था, यहाँ पे कोई भी हमला नहीं कर सकते थे। इस वजह से राजा इस तरह की चोटियों पे बैठना पसंद करते थे। तो हम आपको ऊपर से और मज़ीद दिखाते हैं, इस बारे में थोड़ी बहुत हमारे पास जो मालूमात है वो भी आपको शेयर करते हैं। अभी मुझे चलते हुए सांस चढ़ रहा है इसलिए कुछ बोल नहीं सकते, तो मज़ीद में आपको इस बारे में बताते हैं। ये कपलू का इंतहाई खूबसूरत सियाहती मुकाम कपलू थोक्सिघर है। इस जगह को पुराने कदीम ज़माने में बहुत ही तारीखी अहमियत हासिल है। तो यहाँ पे उस वक्त के राजा साहब मुकीम थे। उसके बाद इस जगह पे इस्लाम की आमद के बाद मस्जिद तामीर हुई। इससे अभी जो हम बैठे हैं इस मस्जिद जगह का नाम थोक्सिघर मस्जिद है। थोक्सिघर मस्जिद के बरामदे से हम आपको ये खूबसूरत मनाजिर दिखा रहे हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं पीछे खूबसूरत ट्रैकिंग रूट कपलू थोक्सिघर आने के लिए बनाया हुआ कदीम जो रास्ता है उसको अभी जदीद अंदाज में टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने बनाया है। साथ ही घरबुचुंग मोहल्ला है और उसके उस साइड पे हिप्पी मोहल्ला है। साथ दरिया बीच से नदी गुजर रही है, इस नाले का नाम गांछे नाला है। बहुत ही खूबसूरत साफ शफाफ और झील का ज़बरदस्त पानी है
इंतहाई मज़ेदार, मीठा और हाजमे के लिए भी बेहतरीन पानी है। ये गर्मियों में इस खूबसूरती को चार चांद लगाते हैं। खपलू शहर के बिल्कुल वस्त से गुज़रती है, ये आप देख सकते हैं। खपलू शहर का दाएं साइड जो खपलू बाला कहते हैं, उसका मंज़र यहाँ से आप खूबसूरत अंदाज में कर सकते हैं। वो सामने व्यू पॉइंट है खपलू शहर का। यहाँ के दिलकश मनाजिर हम आपको अपने कैमरे के ज़रिए दिखा रहे हैं। ये सामने हंजोर, हंजोर भी बहुत ही खूबसूरत सियाहती मकाम है खपलू का। यहाँ से आगे गुज़रने के बाद आपको एक और इसी तरह का वसी व अरीस खूबसूरत सैरगाह मिलेगा, उसका नाम सुरमो ब्रुक है। सुरमो ब्रुक भी आप इस रास्ते से जा सकते हैं। यहाँ पे लोग को बहुत ही आके एंजॉय करते हैं, लोग यहाँ पे आगे बूढ़े बच्चे सब यहाँ पे पिकनिक के लिए आते हैं। आप लोग भी जब भी खपलू चक्कर लगाएं तो इस तारीख़ी और ख़ूबसूरत जगह को मिस नहीं करिएगा, यहाँ पे आके देखिएगा। ये तारीख़ी मस्जिद है, आज से तकरीबन 700 साल पहले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज से 700 साल पहले इस मस्जिद को तामीर किया था अमीर कबीर सईद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह के दौर में। उनके हाथों से ये कदीम तर्ज तामीर मस्जिद आज भी आबाद है। यहाँ पे इस मस्जिद से पहले यहाँ पे महल तामीर हुआ करते थे, जो पुराने ज़माने में राजा यहाँ पे बैठकर पूरे खपलू की सल्तनत को चलाते थे। इस जगह को राजा ऑफ खपलू ने इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं बिल्कुल चारों तरफ से आने का एक्सेस बिल्कुल मुश्किल है। ये एक ही रास्ता है इस जगह पे आने के लिए। तो उस वक़्त सिक्योरिटी थ्रेट होती थी, वेपन का ज़माना नहीं था, लश्करकशी होती थी, तलवारें और नेज़ाबाजी के ज़रिए जंगें हुआ करती थी। उस वक़्त इस जगह को राजा ने महल के लिए सेलेक्ट किया क्योंकि यहाँ पे बैठकर राजा अपने आप को सेफ महसूस करते थे और अपने अहकामात यहाँ से चलाते थे और खपलू की सल्तनत को यहाँ से चलाकर अपना सिक्योरिटी के पेश नज़र यहाँ से पूरा खपलू की सल्तनत को चलाते थे। आज से तकरीबन 700-800 साल पहले की बात है। उसके बाद इस्लाम की तबलीग हुई, फिर इस्लाम की आमद के बाद यहाँ पे अमन व सुकून हो गया, फिर यहाँ पे अमल और रियाजत के लिए औलिया इकराम ने इस जगह को मस्जिद तामीर किया। यहाँ पे खलवत नशीनी के साथ एतकाद नशीनी, जिक्र इलाही और उन चीज़ों के लिए ये बेहतरीन मौजूद जगह था। तो इस हिसाब से यहाँ पे मस्जिद तामीर हुई और अभी मस्जिद बेहतरीन अंदाज में अभी भी मौजूद है। और यहाँ पे जब भी खपलू में टूरिस्ट आते हैं तो इस जगह का ज़रूर विज़िट करते हैं। आप लोग भी जब भी खपलू आ जाए तो यहाँ पे आ जाइए और इस तारीखी मकाम को देखें और अपनी रूह को भी सुकून बख्शें, और साथ ही इस जगह से पूरे खपलू का एक खूबसूरत व्यू, आप कुदरती नज़ारा यहाँ से आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे आने के लिए एक बात आपको बताता चलूँ, नीचे इस गांव तक आपको रोड तो एक्सेस है, इधर से तकरीबन किलोमीटर के लगभग आपको 1.5 किलोमीटर के लगभग पैदल आपको ट्रैकिंग करना पड़ेगा, सीढ़ियाँ लगी हुई है। तो यहाँ पे आप आराम से बैठने के लिए बीच बीच में रेस्ट पॉइंट भी है, वहाँ पे आराम करते हुए आपने यहाँ पे आके फुल एंजॉय करना है। और ये सेहत के लिए भी बहुत ज़रूरी है, थोड़ा वॉक करने से बंदे का सेहत भी फ्रेश रहता है और सेहत और सियाहत दोनों आपको बैग वक्त यहाँ से मिलेगी। और कुदरती हुस्न देखने के बाद अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए। यहाँ पे आके हम अपने रब को याद करते हैं क्योंकि उसने हमें इतनी खूबसूरत जगह में पैदा किया और इतनी खूबसूरत जगह हमारे पाकिस्तान में हमें अता की, तो हमें उस रब का बहुत बहुत शुक्र अदा करना चाहिए। और अपने खूबसूरत सियाहती मकाम को सोशल मीडिया के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना चाहिए और अपने इलाके की टूरिज़म में हर कोई अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। इसी के साथ आशिफ सेशन के प्रति को यहाँ पे इजाज़त दीजिए, हम आपको नेक्स्ट एक खूबसूरत व्लॉग के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।